हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्ल्ड जोन। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि एसबीआई बैंक का आरटीजीएस फॉर्म फ्रेंड्स हम लोग कैसे फिल करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आरटीजीएस सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आरटीजीएस होता क्या फ्रेंड्स। जी आरटीजीएस फ्रेंड्स एक मेथड है जिसके थ्रू आप किसी दूसरे के अकाउंट में फ्रेंड्स हेवी अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं अपने अकाउंट से। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास नेट बैंकिंग का सुविधा नहीं है एंड आपको बड़ा अमाउंट दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करना है फ्रेंड्स, आरटीजीएस के थ्रू फ्रेंड्स हम लोग हेवी अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख आप ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। जी हाँ, 10 से 15 मिनट में फ्रेंड्स अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में हेवी अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं आरटीजीएस के थ्रू। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग, ये हमारे पास देखिए फ्रेंड्स आरटीजीएस फॉर्म है। देखिए फ्रेंड्स, ये आरटीजीएस का फॉर्म होता है, एसबीआई बैंक का आरटीजीएस फॉर्म इस प्रकार का होता है। इसको फिल करना होता है एंड आपको इसके साथ एक चेकबुक लगता है, सॉरी चेकबुक नहीं, एक सिंगल चेक लगता है। उसको फिल कर अमाउंट उसमें फिल करके जितना भी अमाउंट आप उसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने अकाउंट से, उसके बाद दोनों को सबमिट करना होता है तो आप किसी के अकाउंट में ट्रांसफर पैसा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस फॉर्म को फिल करना, देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे सबमिट करना होता है। देखिए सबसे पहला फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा हमसे ब्रांच, आपका अकाउंट जो है फ्रेंड्स किस ब्रांच में है। ओके, तो अपना अकाउंट जो है तो अपना ब्रांच का नाम इसमें सबमिट कर दीजिएगा। तो मेरा ब्रांच बोरिंग कैनाल रोड में है। ओके, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद डेट, आप किस डेट को आरटीजीएस कर रहे हैं, मान के चलते हैं आज यह है 10/08/2021। ओके, उसके बाद जस्ट नीचे रिसीव्ड, रिसीव्ड कौन कर रहा है, ठीक है उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब किसको भेज रहे हैं। ठीक है, तो भेज रहे हैं हम राहुल कुमार फ्रॉम किससे। ओके, तो अपना नाम इसमें सबमिट कर दीजिए। ओके, एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आप किसके थ्रू भेज रहे हैं, तो चेक के थ्रू आप इसमें चेक, आप अपने चेक का सहायता लेंगे। ठीक है, उसके बाद चेक नंबर यहाँ पे सबमिट करना फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका जो भी चेक नंबर होगा वो चेक नंबर 6 डिजिट का चेक नंबर होता है। चलिए मैं एग्जांपल के लिए फिल कर दे रहा हूँ, 6 डिजिट आपका चेक नंबर यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद फेवरिंग, किसके फेवर में आप जा रहे हैं, सॉरी किसके फेवर में पैसा आप भेज रहे हैं, उनका नाम एंड अकाउंट नंबर ऑफिस पर यहाँ पे डिटेल भेजना। ठीक है, तो राहुल कुमार। ओके, एंड अकाउंट नंबर, उनका अकाउंट नंबर क्या है। ठीक है, उनका अकाउंट नंबर जो भी है जिस बैंक में भी, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए मुझे तो किसी का अकाउंट नंबर पता नहीं है, मैं कुछ भी यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद आईएफएससी कोड, ये अकाउंट नंबर जिस ब्रांच में, उस ब्रांच का आईएफएससी कोड क्या है उनका। ठीक है, जिनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी जो भी उनका आईएफएससी कोड होगा यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है बेनिफिशियरी बैंक ब्रांच, बैंक एंड ब्रांच, आप जिसको पैसा भेज रहे हैं उनका बैंक का नाम क्या है एंड ब्रांच कहाँ है। ठीक है, तो चलिए मान के चलते हैं उनका भी बैंक है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई एंड ब्रांच कहाँ का है, तो ठीक है मान के चलते हैं उनका भी बोरिंग रोड है। उसे जहाँ भी उनका ब्रांच होगा वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है, लिखना है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट, आप किस कितना पैसा जो है उनको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो चलिए एज एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं कि 5 लाख कर रहे हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ पूछा है कि बैंक का चार्जेस क्या होता है फ्रेंड्स। 5 लाख जो अमाउंट होता है आप ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप जो भी अमाउंट पैसा ट्रांसफर करते हैं दूसरे के अकाउंट में, तो उसके लिए बैंक कुछ चार्जेस करता है। ठीक है, आपसे कुछ चार्ज करेगा, पैसा काटेगा, वो आप बैंक से पूछ लीजिएगा कि 5 लाख अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आपको कितना चार्ज लगेंगे। लगभग हमको लगता है कि 70 से 80 रुपए के आसपास आपको लगते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि चलिए हम 100 रुपये मान लेते हैं। ओके, यानी मान लेते हैं 100 रुपया लगता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ फिर पूछा कि टोटल कितना हो गया, तो 5 लाख 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया टोटल, इसको रुपीज वर्ड में लिख देना है। ठीक है, तो 5 lakh 100 101 सेट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे अपना ब्रांच लिखना है, बोरिंग कैनाल रोड। ठीक है, आप आरटीजीएस कर रहे हैं, एनएफटी कर रहे हैं तो आरटीजीएस कर रहे हैं, इसमें टिक लगा देंगे। डेट जैसा कि आपने भरा था 10/08/2021। ओके, उसके बाद फिर से उसके बाद पूछ रहा फ्रेंड्स प्लीज रिमाइंड द सम ऑफ, कितना पैसा आप जमा, कितना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 5 लाख। ठीक है, बाय द डेबिट आवर अकाउंट नंबर ऑफ, बाय डेबिटिंग माय आवर अकाउंट नंबर ऑफ, आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, आपका जो भी अकाउंट नंबर है फ्रेंड्स यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, एज एग्जाम्पल के लिए मैं सबमिट करता हूँ। उसके बाद यूजिंग चेक नंबर, चेक जो आप सबमिट करेंगे इसके साथ, उस चेक का नंबर क्या होगा, जो भी चेक नंबर होगा आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। एंड डेट, आज का डेट फिर से दे देना है कि आप किस डेट को इसको इशू कर रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे पूछा है नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, ये पैसा किसको जाएगा। ठीक है, जिनको जाएगा उनका नाम यहाँ पे पूछ रहा है, तो राहुल कुमार एंड बेनिफिशियरी बैंक एंड ब्रांच, यहाँ पे जैसा कि आपने यहाँ पे सबमिट किया था, बेनिफिशियरी जिसको पैसा जाएगा उनका बैंक का नाम क्या है एंड उनका ब्रांच कहाँ है। ओके,
ठीक है, एंड उनका ब्रांच का आईएफएससी कोड क्या है। तो जो भी उनका ब्रांच का आईएफएससी कोड होगा आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। एंड उनका बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर पूछा फ्रेंड्स, बेनिफिशियरी का क्या बेनिफिशियरी का यहाँ पे क्या अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जो भी उनका अकाउंट नंबर है आप यहाँ पे उनसे मांग कर पूछ कर यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से आप पूछा अमाउंट वर्ड में पूछ रहा है, तो यहाँ आपको लिख देना है 5 लाख मंथली, ओके, एंड अमाउंट इन फिगर, तो आपको फिगर में लिख देना है इसी को, ओके। एंड पूछा चार्जेस, बैंक का चार्जेस क्या है, तो 100 रुपीज था यहाँ पे वो लिख देना है। उसके बाद टोटल चार्जेस के बाद जो टोटल होगा तो हमको पता है 5 लाख 100 हो जाएगा, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पूछा नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका यहाँ पे नाम होगा, आपका नाम पूछ रहा है, अपना नाम यहाँ पे सबमिट कर देना है, ओके। एड्रेस आपका क्या है, तो जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे सबमिट कर देना है। आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है फ्रेंड्स, तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है, ओके। एंड आज का डेट जिस दिन आप इसको जमा कर रहे हैं, ओके। एंड वन एंड लास्टली आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। एंड ध्यान रहे सिग्नेचर फ्रेंड्स बिल्कुल मैच करना चाहिए आपके जैसा हर बार सिग्नेचर करते हैं, ओके। एंड ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ आपका पास जो भी चेक है उसमें बस आपको अमाउंट डाल देना है, आपका सिग्नेचर कर देना है, एंड इसको दोनों को पिनअप करके काउंटर पे सबमिट कर देना है। 10 से 15 से 20 मिनट आपको काउंटर वाले टाइम लेंगे एंड ये आरटीजीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए। ओके बाय, गुड एंड जय हिंद।